हेलो ट्रेडर्स, आज है मंडे और आज है मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी डे। तो आज हम मिड कैप निफ्टी में ट्रेड लेने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। और जो भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हो रहे हैं 9:14 और सिर्फ यहाँ पर 1 मिनट बचा है मार्केट स्टार्ट होने को। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद में हम जैसे ही मार्केट ओपन होगा वैसे हम पोजीशन देख के यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। ओके ना, तो थोड़ा वेट करते हैं। अभी मिड कैप निफ्टी जो है वो है 9460 के आसपास। ओके, मार्केट अभी खुल गया है, देखिए 13 पॉइंट से बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं कहाँ पे एंट्री बन सकती है, उसके अनुसार हम यहाँ पे एंट्री बुक करेंगे, राइट? तो चलिए हम जल्दी से एंट्री बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 9500 स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 9500 स्ट्राइक प्राइस पे जो भी प्रीमियम चल रहा है वो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, उसको बाय कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ₹6.85 के आसपास हमें ये प्रीमियम आ रहा है। ओके, और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मिड कैप निफ्टी में जो लॉट साइज होता है, मतलब एक लॉट साइज बराबर होता है 75 क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ऐसे हमने 3 लॉट यहाँ पे बाय किए हुए हैं मार्केट ऑर्डर पे। देखते हैं अब हमें कितने प्राइस में मिलता है। चलिए यहाँ पर मैं बाय कर लेता हूँ, तो हमें लगभग ये पड़ा है, यस, हमारा यहाँ पर ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पर हमें ये 8.30 के आसपास पड़ा है। तो अभी हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो लॉस चल रहा है, लेकिन थोड़ा हम यहाँ पे वेट करते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे प्रॉफिट शो होने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरा एनालिसिस जो है वो आज ये कहता है कि मिड कैप निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पॉजिटिव होके यहाँ पे ट्रेड के साथ में बने रहेंगे। ओके, तो देखिए किस तरह से हमें ये ट्रेड लेना होता है, किस तरह से हमें पेशेंस रखना होता है, उसके बाद में हमें जो भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका सामना करना पड़ता है। बस आपको थोड़ा ना ट्रस्ट दिखाना होगा मार्केट के साथ में। ओके, ऐसा नहीं कि आपको लॉस हो रहा है तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री को बुक कर लेंगे और उसके साथ में ही निकल जाएंगे, नहीं। आपको थोड़ा वेट करना है, मार्केट्स को समझना है, मार्केट के साथ में डटे रहना है, उसके साथ जब आप रहेंगे अंत तक, तभी आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो भी आपका रिजल्ट आता है उसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब प्रॉफिट बन रहा है तो क्यों प्रॉफिट बन रहा है, लॉस बन रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, वो सभी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। नहीं तो आपने जैसे कि चार्ट देखा ऊपर जा रहा है तो बाय किया, मीन्स आपने कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय किया है, और आप जैसे चार्ट को देखेंगे तो आपको लग रहा है कि कैंडल यहाँ पे नीचे जा रही है तो हम यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, जो भी आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो उसके पीछे एक वैल्यूएबल क्या होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए। ओके, कॉन्क्रीट रीज़न चाहिए आपके पास में, आप ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 9:17 हो गए हैं और हमारा यहाँ पर लॉस ही चल रहा है, करीब 517-596, मतलब लगभग 600 रुपये के आसपास में हमारे को यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन थोड़ा हम यहाँ पर और वेट करेंगे पेशेंस दिखाते हुए, देखते हैं क्या होता है। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर आप ट्रेडिंग के लिए कौन सा ऐप यूज़ करते हो, तो जो भी ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहाँ पर एंजल वन का ऐप यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी हो रहे हैं 9:18 और अभी भी हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन हम थोड़ा और यहाँ पर वेट करेंगे, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो आज का वीडियो मैं थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा पावर का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा लॉस जो है वो कम हो रहा है 146, 157, 101 के आसपास, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए, तभी जाके हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को लगेगा। देखो अभी आपने देखा कि यहाँ पे -45, -78 के आसपास में ये दिख रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम, मतलब ये जो चार्ट है ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, हमें यहाँ पे 1 मिनट का वेट करना है। देखिए अभी 9:19 हो रहे हैं, कैंडल अभी कंप्लीट होने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, देखते अभी क्या होता है। देखो अभी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर शो हो रहे हैं, 392, 562,
371, 438 जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ये स्पीड से कम ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस मतलब LTP जो देख रहे हो आप कितना देख रहे हैं, 11 रुपीज़, 11.55, 11.13। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्ज़िट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी एग्ज़िट कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट है वो देख रहे हैं आप 1378 रुपीज़ का आज मैं